नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेकी में सफलता के क्या सूत्र हैं। अनेकों लोग, बहुत सारे लोग, हजारों लोग रेकी सीखते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। सफलता से मेरा तात्पर्य है जो ये बोलें कि हाँ, हमको रेकी से बेनिफिट मिल रहा है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने छोड़ दी, 10 साल पहले की थी पर छोड़ दी। तो क्या सूत्र है रेकी में सफल होने के? जब आपका अट्यूनमेंट हो जाए उसके बाद कुछ इन नियमों का ध्यान हमेशा रखें और उनको रेकी में अपना के चलें तो आपको सफल हीलर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। रेकी में आप जरूर सफल होंगे, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रेकी से सॉल्व कर पाएंगे। जब आपका अट्यूनमेंट हो गया, अट्यूनमेंट के बाद पहला सूत्र ये कि सेल्फ हीलिंग रोज करें। जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी एनर्जी रहेगी। तो सेल्फ हीलिंग और अदर्स हीलिंग दोनों पे जोर दें। जितना अपनी हीलिंग करें उतना ही दूसरों की भी हीलिंग करें। शुरुआती दौर से ही जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे उतनी अच्छी एनर्जी रहेगी। दूसरों को देने से भी रेकी बढ़ती है, क्योंकि रेकी अकेले हमने अपने लिए नहीं सीखी है, अपने परिवार और समाज को बेनिफिट भी देना हमारा काम है। तो जब आपका अट्यूनमेंट हो उसके बाद सेल्फ हीलिंग और अदर्स हीलिंग पे खूब जोर दें। अगर आप इसको शुरुआत से ही अपना लेंगे तो यकीनन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज, रेकी पे भरोसा। रेकी पे भरोसा एक वो सूत्र है जो आपको बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हीलर बना सकता है। रेकी पे विश्वास कैसे रखें? रेकी में कभी कभी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, कभी कभी समय लगता है रिजल्ट आने में। लेकिन अगर आपको अटूट विश्वास रेकी पे बना हुआ है तो रेकी आपको कहीं भी फेल नहीं होने देगी। तो आपको अथाह विश्वास रेकी पे रखना है कि आप हीलिंग कर रहे हैं तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा ध्यान ये रखें कि रेकी पे छोड़ दीजिए, अपना दिमाग आपको उसमें नहीं लगाना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या होगा, कुछ नहीं। रेकी पे भरोसा रखिए, 100% भरोसा रखिए, रेकी है तो होगा। तो इस तरह रेकी पे भरोसा रखना आपका दूसरा सूत्र है। तीसरी चीज, रिजल्ट पे ध्यान ना लगाएं। पहले ही दिन से हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो रिजल्ट पे रहता है, कि रिजल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे ही हम ये सोचना शुरू कर देते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिलता। आप रेकी को करने दीजिए, रेकी जैसे भी काम करे, रेकी के अपने काम करने के तरीके होते हैं। तो आपका काम है हीलिंग देना, हील करना काम है रेकी का। तो आपको रेकी पे ध्यान, भरोसा रख के बस हीलिंग करते जाना है। रिजल्ट पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। रिजल्ट अगर रेकी की मर्जी है तो जरूर आएगा, और अगर रेकी की मर्जी नहीं है, समय लगना है, तो चाहे आप कितनी भी हीलिंग दे, रिजल्ट तभी आएगा, क्योंकि रेकी पे किसी का जोर नहीं है। रेकी एक प्रार्थना है, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, उसको कबूल करना या नहीं करना ईश्वर की मर्जी है, रेकी की मर्जी है। आप हीलिंग दीजिए बस, रिजल्ट पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना। तीसरा सूत्र। चौथी चीज, गाशो मेडिटेशन जरूर करिए। गाशो मेडिटेशन जब आप करते हैं, गाशो मैंने कई वीडियोस में सिखाया है, गाशो मेडिटेशन है रेकी पे ध्यान लगाना। तो जब आप रेकी में आगे बढ़ रहे हैं तो रेकी पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। भले ही 10 मिनट करें, गाशो जरूर करें। गाशो से आपको बहुत सारी चीजें रेकी से ही मिलने लगती हैं। रेकी अपने आप आपको बताने लगेगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिससे आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको गाशो मेडिटेशन पे काफी ध्यान देके आगे चलना है। दूसरा, मैंने और वीडियोस में भी बताया, सर्कल रेकी। जितना हीलिंग आप दूसरे को दे रहे हैं उतना रिसीव भी दूसरे से करना जरूरी है। तो प्रयास ये करें किसी दूसरे से एनर्जी को रिसीव भी आपको करते जाना है समय समय पे, जब भी आपको समय मिल जाए। अगर समय मिलता है कहीं भी रिसीव करने का तो उसको चूके नहीं, जरूर रिसीव करें। आगे जब भी रेकी हीलिंग करें, सेशन को कट करना ना भूलें। कट करने का जो भी मेथड आपने सीखा हो, अपने गुरु से सीखा हो, उस मेथड से आप कट करिए, पर कट जरूर करिए। एक बार हीलिंग करने के बाद अगर आपने रेकी को कट नहीं किया तो रेकी आपके हाथ से फ्लो होती रहेगी, आप अपने आप को ड्रेन फील करेंगे। तो रेकी में सेशन कट करना आपको बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब भी कंप्लीट हो सेशन कट कर दें। आगे, किसी और की जब आप हीलिंग करें तो कॉर्ड कट करना ना भूलें कभी भी।
कॉर्ड क्या चीज होती है? हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ाव। अगर हीलिंग करने के बाद हमारा दूसरे व्यक्ति से जुड़ाव बना रह गया, तो अगर वो आलसी है तो आलस हमारे अंदर भी आएगा, वो बीमार है तो हमारे अंदर भी वो छाया आएगी, उसकी निगेटिविटी आएगी। तो हमको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हम हीलर हैं, हमारी ऑरा अलग है, हमारी ऑरा में किसी और को गंदगी को हमें आने ही नहीं देना है। तो आपको कॉर्ड कटिंग जरूर करनी है। जब भी आप रेकी हीलिंग करें, किसी और का अट्यूनमेंट करें, कॉर्ड जरूर कट कर लें, चाहे वो आपका अपना ही कोई खास व्यक्ति क्यों ना हो, कॉर्ड जरूर कट करें। जब आप कॉर्ड कट करेंगे तो आपकी ऑरा साफ रहेगी और आपकी हीलिंग पावर अच्छी रहेगी। ऑरा को क्लीन कैसे रखें, बड़े सारे वीडियोस में मैंने बताया है, बहुत सारे मेथड सिखाए हैं। ऑरा को जरूर क्लीन रखें, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, पर आपकी ऑरा गंदी है, ऑरा में निगेटिविटी आ रही है, तो आप बीमार भी पड़ते रहेंगे, आपका मूड ऑफ रहेगा, आपको सब तरह के निगेटिव ख्याल आएंगे। तो ऑरा को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। रेकी में क्लीन रखने के लिए एक दो मेथड कोई ना कोई जरूर अपनाएं, जिससे कि आप अपनी ऑरा को क्लीन रख पाएं। तो ऑरा क्लीनिंग का रेकी हीलर्स को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। प्रोटेक्शन में जरूर रहें। रेकी कोई निगेटिव काम कभी नहीं करती है, लेकिन हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालें, प्रोटेक्शन के अंदर ही रखें, क्योंकि जब हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जीज जुड़ी हुई होती हैं तो निगेटिव भी अट्रैक्ट होती हैं, तो उन निगेटिव एनर्जीज से हमको बचना भी जरूरी है। हालांकि निगेटिव एनर्जी जब आप रेकी में आते हैं तो आपको हार्म नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन शील्ड में रहना हमेशा जरूरी है। तो साथियों, ये है कुछ छोटे छोटे सूत्र जो आप रेकी में अगर अपनाएंगे तो आपको एक अच्छा और सफल हीलर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप इन सूत्रों को अपनाइए और फिर देखिए 2 से 3 महीने में ही आपको अपनी रेकी हीलिंग में फर्क महसूस होने लगेगा। तो साथियों, ये है रेकी के कुछ सूत्र जिनको अपनाकर आप एक अच्छे हीलर बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। रेकी के बारे में कुछ और जानना चाहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।